नमस्कार, मैं भाग्यश्री। एनबीसी न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। नागपुर जिला परिषद की 58 और पंचायत समिति की 116 सीटों के लिए मतदाताओं ने मतदान किया है। बेसा खापरी डोंगरगांव सर्कल के मतदाताओं में मतदान किया गया और इसे उन्होंने राष्ट्रीय उत्सव कहा है। आइए डालते एक नजर। पिछले एक माह से कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों का जमकर प्रचार प्रसार कार्यकर्ता द्वारा किया गया था। दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने पदयात्रा निकालकर अपने तरीके से मतदाताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। कांग्रेस और बीजेपी के झंडे चुनाव में सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। इसी बीच कांग्रेस की तरफ से कैबिनेट मंत्री सुनील केदार और भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनकी भव्य प्रचार सभा भी आयोजित की गई थी। प्रचार प्रसार थमते ही आज जिला परिषद की 58 व पंचायत समिति की 116 सीटों के लिए मतदान करने के लिए सुबह से ही मतदाता दिखाई दिए। सुबह में शीतलहर होने से भले ही बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या कम दिखाई दे रही थी, किंतु जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे मतदाता मतदान का अधिकार स्याही की उंगली बताकर दिखा रहे थे। बेसा में 19 बूथ दिखाए थे, जिनमें जिला परिषद के स्कूल बेसा में 5 बूथ, ग्राम पंचायत बेसा में 2 बूथ, रेणुका कॉलेज में 4 बूथ, बेल तरोड़ी में 7 बूथ और आंगनबाड़ी बेसा में 1 बूथ, ऐसे कुल मिलाकर 19 बूथ है। बेसा खापरी डोंगरगांव सर्कल के मतदाताओं की भी कुल संख्या सूत्रों के अनुसार तकरीबन 42,000 बताई गई है, तो बेसा में 17,550 मतदाता है। बेल तरोड़ी, घोगली, बेसा, डोंगरगांव सर्कल के मतदान केंद्र पर मतदाताओं ने मतदान किया है और इस बारे में एनबीसी समक्ष जानकारी दी। जिला परिषद की 58 और पंचायत समिति 116 सीटों के लिए आज यहां पे जो मतदान होने जा रहा है, इसी श्रृंखला में आज एनबीसी की टीम जो पहुंची है वो आई है बेसा परिसर में, जहां पे रेणुका महाविद्यालय ठीक मेरी दाईं ओर है और यहां पे सुबह से इस परिसर के लोग आ रहे हैं। यहां पे जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के लिए लोग अपना मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो घर से निकल के आ रहे हैं मतदान कर रहे, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं, आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग अपनी उंगलियां जो बता रहे हैं इन सब ने ये मतदान किया हुआ है। और ये जो एक राष्ट्रीय उत्सव के नाम से जाना जाता है मतदान, काफी बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया है। लोग सुबह से ही लोगों में एक उत्सुकता बढ़ी है कि कब कब वे जाते हैं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को कब वोटिंग करते। कुछ लोगों के नाम यादी में दिखे तो कुछ लोगों के नाम भी नदारद थे, ऐसे में वो भी एक बात थी। फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो उनके जो कुछ प्रॉब्लम से समस्या है वो छुड़ाते हुए नजर आए हुए हैं। मनाने के लिए ये लोग, इसे राष्ट्रीय पर्व के नाम से ही जाना जाता है, मतदान करना इन्हें बहुत बड़ी एक बात होती है। संविधान ने ये जो अधिकार दिया है इस अधिकार का पूरे पूर्ण फायदा लेते हुए लोग देखो कितने खुशी से अपने मतदान किया हुआ है। ये जो बाई उंगली है ये बताते हुए, बाई हाथ की ये उंगली को बताते हुए नजर आ रहे हैं। आइए कुछ जो जिन्होंने यहाँ पे अभी मतदान किया है ऐसे लोगों से हम बात करेंगे। मैडम ये बताइए कि कैसा रहा आज का दिन, क्या लग रहा है आपको? आज का दिन अच्छा है, लोगों ने वोटिंग के लिए निकलना चाहिए, अपना अधिकार समझ के निकलना चाहिए। ये मेरा मत है, लेकिन लोगों का भी मत होना चाहिए कि अपना अगर अपने को अधिकार अपना सब अगर जो विकास जो बोलते डेवलपमेंट जो चाहिए अगर लोगों को, तो ये अधिकार उनको बजाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसलिए बोला कि सबने वोटिंग करने के लिए निकली है बाहर से, यही मेरे। हाँ, मैंने वोटिंग किया है, मेरा पहली बार वोटिंग, पहले 7:30 बजे मेरा वोटिंग रहता है हमेशा। मतदान हा सगळ्यांचा अधिकार आहे आणि प्रत्येक नागरिकांनी आपला अधिकार बजायलाच पाहिजे। हाँ, ये अपना मूलभूत अधिकार है मतदान, यानी सभी लोगों को मैं अपील कर रहा हूँ कि सभी लोगों ने मतदान करना ही चाहिए, जरूरी है। राष्ट्रीय एकात्मत्व का अधिकार जो रहता है वो अपने होश से वो क्लियर हो जाता है। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि सभी लोगों ने घर से निकल के वोटिंग करना चाहिए है। कितनी उत्सुकता थी आप में? जी, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मुझे अभी ऑफिस जाना है, तो मैं सबसे पहले मैंने अपना वोटिंग का अधिकार ये किया है, वोटिंग करके अभी मैं ऑफिस में जाऊंगी। आप क्या कहना चाहूंगी मैम? मैं ये कहना चाहूंगी जो आगे प्रगति होने वाली है वो राज्य ने करना चाहिए। जैसा अपना दिवाली, दशहरा ये सब त्योहार रहते हैं, वैसे ही अपना ये भी एक त्योहार है और सबने घर का घर में से आलस छोड़ के यहाँ पे आके वोटिंग करना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि बेसा बेलदूड़ी का अगर विकास चाहिए तो सब लोगों ने आपका आकर यहाँ अपने बूथ पर जाकर वोट करने का अधिकार हम जाए, यही मैं संकल्प करता हूँ। मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ,
इसके लिए वोटिंग के योग्य उम्मीदवार चुनाव करने के लिए मैं डेली जो ऑफिस जाता हूँ उसे 15 मिनट पहले उठा हूँ और सुबह अपने अपना वोटिंग का अधिकार बजाया मैं। कैसा लग रहा है वोटिंग करके? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम है? हाँ फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफी मतलब अपने भारत के प्रति अच्छा लग रहा है वोटिंग करके। जो लोग अभी घर से नहीं निकले उनके लिए क्या कहना चाहोगे? निकलो और वोटिंग करो क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है वो। तो बेसा में इस तरह का यह आलम है, चाहे डोंगरगांव हो, बेसा हो, बेलतरड़ी हो, जिला परिषद पंचायत समिति के लिए जो जो बूथ दिए गए हैं उन बूथों पे धीरे 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 लोगों का आना शुरू है। कुछ जो ऑफिस में जाना चाहते हैं सेंट्रल के जो लोग हैं या स्टेट पे जो काम करने वाले ऐसे सरकार जो कर्मचारी है वो सुबह ही निकले और उन्होंने अपना मतदान है वो मतदान पूरी तरह से किया है। और अब देखना ये होगा कि लोग जो है धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन एक बात साफ तौर पर दिखाई दी कि अक्सर यह देखा जाता है कि जब वोटिंग होती है और अंदर में जो शाही लगाई जाती है वो इस बाएं हाथ के इस उंगली पे लगाई जाती है, मगर अब की बार थोड़ा हम दिखाएंगे। देखिए ये मैम है, इन्हें इनके बाएं हाथ की इस उंगली के ऊपर लगाया गया है, तो वही ये जो मैम है इन्हें जो अभी वोटिंग किया है तो इनके दाईं हाथ के ऊपर में किया गया है इनके बाई है। ये देखिए ये जो एक भाई साहब यहाँ पे खड़े है इनका भी ये दाएं हाथ के ऊपर में इस प्रकार का ये चिन्हित किया गया है, अंकित किया गया है शाही से। ये एक मैडम है इनके भी बाएं हाथ के और किया है। कहने का मतलब यह है कि दाएं और बाएं इस प्रकार की शाही लगाई जा रही है, इससे यह साफ पता चलता है कि अंदर में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंडर में काम करने वाले जो अधिकारी है जो कर्मचारी गण है उन्हें अभी भी पूरी तरह से इसके बारे में अवगत नहीं कराया गया है। और इस प्रकार का कार्यशाला चर्चा सत्र जो अक्सर चुनाव के पहले में जो एक लिया जाता है इन लोगों का एक कार्यक्रम हुआ करता है, इसके अंदर शायद ये बात के बारे में बताना अधिकारी भूल गए होंगे, मगर द्विधा मनस्थिति में मतदाता है। कुछ मतदाताओं का मजा के अंदाज लहजे में उन्होंने कहा कि भैया अब तो हमारे बाएं हाथ पे ये दिख नहीं रहा, हम भी फिर से वोटिंग कर सकते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है क्योंकि एंट्री हो चुकी है, स्याही आपके हाथ में लगाई गई है। सिर्फ फर्क इतना है कि स्याही एक ही हाथ में लगाना चाहिए, दो हाथ में लगाना चाहिए, ये अभी भी तय नहीं हुआ है। लेकिन वहां पे स्याही लगाने वाला उसके मन में जैसा है वो वैसा काम कर रहा है, किसी के दाएं हाथ में लगाया तो किसी के बाएं हाथ में लगा रहा है, लेकिन दाएं हाथ पे लगा या बाएं हाथ पे लगा लेकिन अंदर में एंट्री जरूर हो रही है। और जो होटल से जो अपना मतदान कर रहे हैं वो अपने जो अच्छा उम्मीदवार है जो काम करने वाला उसको वो लोग अपना वोटिंग करके आज ये जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से करते हुए, और अपना ये राष्ट्रीय अधिकार है मतदान करना, ये राष्ट्रीय अधिकार है, इसको बखूबी के साथ पूरे शहर यानी जिला परिषद पंचायत समिति के अंतर्गत यानी जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि 58 जिला परिषद और 116 पंचायत समिति के चुनाव में जितने हजारों की तादाद में जो मतदाता है वो पूरे बेसा पंचायत समिति डोंगरगांव सर्कल के मतदाता अपना ये राष्ट्रीय अधिकार पूरी तरह से मना रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरी में कि रिजल्ट क्या आएंगे, कितने प्रतिशत ये हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको अगले बुलेटिन में पल पल की जानकारी देंगे। बेसा परिषद से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, एनबीसी न्यूज नागपुर। जेएनयू घटना पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विद्यार्थी संगठन की ओर से नागपुर विद्यापीठ के सामने आंदोलन किया गया। जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ में रविवार को हुई घटना का पूरे देश में विरोध चल रहा है। नागपुर शहर में भी सोमवार से विविध संगठनों की ओर से विरोध किया जा रहा है। मंगलवार को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विद्यार्थी संगठन की ओर से विद्यापीठ कैंपस के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन की मांग है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर विद्यार्थी संघटना ही नेहमीच विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आणि विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अत्याचारांवर आणि न्यायिक व्यवस्थेवर जो आघात होतो त्या आघातावर नेहमीच सजगपणे आंदोलन आणि निषेधाची भूमिका घेत असते। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। आपली बस सेवा ऑपरेटर्स पर 15 लाख का जुर्माना मनपा परिवहन समिति ने सुनाया है। यह जुर्माना बसों के रख रखाव पर किया गया है। मनपा परिवहन समिति सभापति बाला बोरकर इन्होंने खुद सिटी बस डेपो का जायजा लिया, जिसके बाद बोरकर ने ये फैसला लिया है। फिलहाल शहर बस की कमान 3 निजी बस ऑपरेटर हंसा सिटी बस, आरके सिटी बस, ट्रेवल्स टाइम बस को सौंपी है। इन तीनों ऑपरेटर को मनपा ने अपनी बसें भी सौंपी है। ऑपरेटर अपनी बसों का रख रखाव तो नियमित करते हैं,
लेकिन मनपा द्वारा सौंपी गई बसों का कोई केयर नहीं है। नियमित रखरखाव नहीं होने से वह कपाट बनती जा रही है। मामूली कारणों से बसें खटारा बन रही है। मनपा की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। आपने बस के ऑपरेटर्स द्वारा बसों का रखरखाव ठीक ढंग से नहीं करने के कारण मनपा परिवहन समिति ने तीनों बस ऑपरेटर पर 5-5 लाख रुपए यानी 15 लाख रुपए का दंड ठोका है। साथ में डिमटम्स कंपनी पर भी 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मैं डिमटम्स कंपनी को डिपो अनुसार पर्यवेक्षक की संख्या बढ़ाकर रोजाना बसों की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। अव्यवस्था पाए जाने पर डिम्स कंपनी को रोजाना जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया गया है। यह बात ध्यान में आने पर मनपा परिवहन समिति के सभापति बाला पोरकर ने खुद सुबह सुबह तीनों ऑपरेटर्स के डिपो का औचक निरीक्षण किया, जिसमें मनपा की कई बसों की स्थिति खराब पाई गई है। ऑरेंज स्ट्रीट डिपो, परिवर्तन डिपो, खापरी डिपो में रखी बसों की हालत चिंताजनक बताई गई है। हिंगना डिपो में 115 बसों में से 3 में बड़े पैमाने पर तकनीकी खराबी मिली। परिवर्तन डिपो में 116 में से 9 बसों में तकनीकी खराबी देखी गई है। खापरी डिपो में 78 में से 1 बस में तकनीकी गड़बड़ी पाई गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ नितिन शेगावकर की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी में इस बार ठंड पूरे शबाब पर है। बादल छटने के बाद आसमान खुलते ही ठंड का असर भी पड़ा है। सुबह के वक्त तो ठंड ने हलाकान कर दिया है। स्थिति यह है कि मॉर्निंग वॉक करने वाले भी ठेठू रन की वजह से कम हो गया है। शाम के बाद तो ठंडी हवाओं की वजह से गर्म कपड़ों के बिना घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने बुधवार से बदले मौसम के साथ ही बारिश की भी संभावना व्यक्त है। सोमवार को ऑरेंज सिटी में ठंड ने सभी की ठेठू रन बढ़ा दी। हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इनबीसी न्यूज़। नमस्कार।